हुसैन के खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा भड़काने का मामला दर्ज हो गया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब तक जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक ताहिर हुसैन का घर दिल्ली के दंगे का गढ़ था। चांदबाग में रहने वाले लोग बताते हैं कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली को आग में झोंक दिया। आम आदमी पार्टी से निलंबित ताहिर हुसैन अब सिर्फ पार्षद नहीं है, ताहिर हुसैन अब हत्या का आरोपी भी है। हिंसा भड़काने और आगजनी का आरोपी है और दिल्ली पुलिस इस आरोप में ताहिर हुसैन को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। दंगे की आड़ में दंगाइयों ने आईबी के एक अफसर का बेरहमी से कत्ल कर दिया, उसके जिस्म को छलनी छलनी कर दिया और आरोप ताहिर हुसैन और उसके गुर्गों पर है। यही कर ही रहा है, सारा काम इसी का है, ये सारा ताहिर करवा। देखो वो ट्रेन में ले जा रहा है पत्थर भर भर के, देखो देखो सबको बोला ट्रेन पत्थर लाओ। 25 फरवरी को इस चेहरे ने चांदबाग के मुस्कुराते मोहल्ले को नफरत की मचान में बदल दिया था। ये पत्थर लेके गया ना वो, अब लाला के ऊपर जमा कर रहे हैं, ये रात में बरसाने के लिए पत्थर, ये रात में भी करवाएगा कुछ ना कुछ। करवाएगा ये। ताहिर हुसैन ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के मोहल्ले को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया था। आरोपों के मुताबिक समाज की शांति के लिए खतरा बन गए थे 24 और 25 फरवरी को ताहिर हुसैन। वो फायरिंग भी हो रही थी सर सामने से, सर ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से फायरिंग हो रही थी और सामने से बहुत फायरिंग हो रही थी, और सर फिर वहाँ से उन्हें कुछ बंदे, कुछ लड़के, मतलब बहुत बड़ी भीड़ आई, सर चार लड़कों को उठा के ले गई, और सर चार लड़कों में मेरा भाई भी था और तीन लड़के होड़ते। अंकित के परिवार का इल्जाम है कि 25 फरवरी को दंगाई भीड़ अंकित को खींचकर ताहिर हुसैन के घर में ले गई थी, उसके साथ तीन और लोग थे। अंकित के परिवार का कहना है कि ताहिर हुसैन के घर में ही अंकित की हत्या की गई। अंकित शर्मा की डेड बॉडी 26 फरवरी को ताहिर हुसैन के घर के पास नाले से मिली थी। अब ताहिर हुसैन पर पुलिस का एक्शन हुआ है। अंकित की हत्या के आरोप में उस पर धारा 302 के तहत FIR दर्ज हो गई है। उसका मकान सील हो गया है। अब सवाल है ताहिर हुसैन कब गिरफ्तार होगा। निगम पार्षद ताहिर हुसैन के घर पर बहुत सारे पत्थर मिले थे और साथ ही पेट्रोल बम की बोतलें भी बरामद हुई थी, और फिलहाल ये वही घर है, हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जो है एविडेंस से कोई छेड़छाड़ ना हो उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के घर को सील कर दिया है। ताहिर हुसैन अब इन वीडियोस पर सफाई दे रहा है कि जिस वक्त चांदबाग आग की लपटों में झुलस रहा था उस वक्त वो खुद अपने घर में बंधक बन गया था, लेकिन जो सबूत सबके सामने हैं चीख चीख कर गवाही दे रही है कि ताहिर हुसैन झूठ बोल रहा है। वीडियो में लाल स्वेटर, सफेद शर्ट में और हाथ में डंडा, ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह से भीड़ अंदर घुसी, डंडे से जो लोग ऊपर छत पे चढ़ देते मैं उनको मार मार के नीचे वापस भगाया था। और आपने उस वीडियो में ये भी देखा होगा कई सारे लड़के वहाँ से नीचे भागे भी हैं, बल्कि एक लड़के को मैंने इतना धक्का दिया था उस जाके वो उधर गिरा भी था, और मैं बार बार कभी अंदर बाहर जा रहा था क्योंकि मैं अंदर की तरफ भी देख रहा था कि कहीं से कोई और आदमी ना उसमें चढ़ जाए। ताहिर हुसैन कहता है कि जिस वक्त पत्थरबाजी और आगजनी हो रही थी उस वक्त वो खुद पुलिस से मदद मांग रहा था। तो सवाल है हाथ में डंडे लेकर वो क्या कर रहा था। आग लगाने के बाद छत से झांक कर क्या देख रहा था ताहिर हुसैन, और सबसे बड़ी बात छतों पर पत्थरों का ढेर, पेट्रोल बम और गुले किसके स्वागत के लिए रखे गए थे। केजरीवाल ने कहा है अगर ताहिर हुसैन गुनहगार है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई, या बीजेपी का है, या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए,
उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। वीडियो वायरल होने के बाद ताहिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ताहिर भी इस बात को जानता है, इसीलिए कभी वीडियो जारी करके तो कभी टीवी चैनलों पर बैठकर सफाई दे रहा है, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार उस पर लटक रही है। ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या के मामले में FIR दर्ज हो गई है। ताहिर हुसैन पर IB के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। पार्षद पर चांदबाग में हिंसा और आगजनी करने का भी आरोप है। आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। ताहिर हुसैन का घर, मकान, दुकान सब सील हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से जो कट्टे हैं, सीमेंट के कट्टे हैं, उनमें ये बड़े बड़े पत्थर भर के लेकर आए गए हैं। अब तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, बेहद चौंकाने वाली, कि ये देखिए यहाँ ये पेट्रोल बम है। दो कौमों के बीच में जहरीली सोच की बुनियाद पर दहशत की दीवारों को खड़ा करने का आरोप है। ताहिर हुसैन ने एक नाजुक मौके की जमीन पर नफरत की नागफनी का जंगल उगा डाला था। 48 घंटे पहले तक जिसे सिर्फ मोहल्ले वाले जानते थे, अब उसके चरित्र पर दंगा भड़काने का आरोप है, हत्या का आरोप है। मुश्किल परिस्थितियों में जिसे नायक बनना था, वो दिल्ली का सबसे बड़ा खलनायक बन गया था। कुमार सुन और जतिन शर्मा के साथ अभय परश, इंडिया TV, दिल्ली। दिल्ली हिंसा में मारे गए IB के कर्मचारी अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित शर्मा के शरीर पर चाकू के निशान होने का खुलासा हुआ है, और वो भी एक दो नहीं बल्कि दर्जन भी नहीं, कई सारे जख्म मिले हैं। परिवार वालों का कहना है कि हत्या के पीछे ताहिर हुसैन का हाथ है। जो भीड़ थी सर, हमारी भीड़ थी, उन्होंने बताया कि जो भाग रही थी, उन्होंने बताया कि यहाँ से 4-5 लड़कों को उठा के लेके गए हैं। ये तलवार ही हमारी सर, किसी सिर में फिर चक्कू मारे, वो गिर गया लड़का। बॉडी देखी पूरी अच्छी? हाँ, बॉडी देखी सर। IB के अफसर अंकित शर्मा को दिल्ली में हुए दंगे में किसने मारा, दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन अंकित शर्मा को कैसे मारा गया, इस सच ने सबकी नींद उड़ा दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने जो लिखा है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अंकित शर्मा के हत्यारे जानवर बन गए थे। शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म नहीं थे। अंकित शर्मा के शरीर पर चाकू के कई निशान मिले हैं। अंकित के पेट और सीने में चाकू से कई वार किए गए थे। शरीर के हर हिस्से में धारदार हथियार के निशान मिले हैं। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में ले जाके बुरी तरह काटा है, और फिर उसने काट के बुरी तरह आंख, नाक, ये गर्दन सब काटी है सर, उनकी हाथ वगैरह सब काटा उनका, सभी सर दो बॉडी मिल चुकी है अभी तक नाले में यहाँ पे। अंकित शर्मा देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए थे, लेकिन दंगाइयों की भीड़ से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। 2 दिन पहले इसी नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद हुआ। चांदबाग का ये नाला गोकुलपुरी और मुस्तफाबाद तक जाता है, मतलब ये नाला उन सारे इलाकों से गुजरता है जहां दंगे हुए। इस नाले में पुलिस को शक है कि और भी शव फेंके गए हो सकते हैं, इसीलिए तलाश जारी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चांदबाग में जहां पे IB ऑफिशियल अंकित की बॉडी जिस नाले से निकली गई थी, उसी नाले के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। ये चांदबाग का वो नाला है। एक और वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें दूर से एक छत से वीडियो बनाया गया है, और ये दावा किया जा रहा है कि कुछ लड़के जो हैं इसी जगह से बॉडी को यहाँ पर इस नाले के अंदर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। चांदबाग की पुलिया के जिस नाले से अंकित शर्मा का शव मिला, वो जगह अंकित शर्मा के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। 25 फरवरी को शाम 4:30 बजे अंकित शर्मा दफ्तर से घर लौटे थे, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद घर के बाहर बवाल कर रहे लोगों को समझाने के लिए बाहर गए तो वापस लौट कर नहीं आए। सभी को बताया कितना अच्छा बच्चा था मेरा, अब वो अचानक ही सर उन्होंने ताहिर के यहाँ से बच्चे वो आए बदमाश, और अचानक पकड़ के ले गए सर बच्चे को।
चक्कू तलवार से काटा गया था सर, ये पत्थर बांध के वो दबा रखा था सर। ताहिर के यहाँ से बदमाश थे, आए थे वे सर, उनके साथ चार लड़कों को और खींच के लेके गए हैं। तो वो खींच के लेके सर वो पहले ताहिर की बिल्डिंग जो निगम पार्षद उसकी बिल्डिंग में गए, उसके बाद वो पीछे मस्जिद के पीछे लेके गए और उन्हें मारते हुए गए। अंकित शर्मा की हत्या का सच जानने जब हमने पड़ोसियों से बात की तो सबने यही कहा, अंकित शर्मा जब घर से बाहर निकले तभी दंगाइयों की भीड़ उनको पकड़कर अपने साथ ले गई। अंकित शर्मा को कितने लोग खींच के लेके जा रहे थे? यही करीब ने पांच बंदे तो बहुत था, मतलब खींच कौन कितने रहे? पांच छह ले गए खींच के, पांच छह आपकी नजरों के सामने? यस सर। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? प्रेम। प्रेम, आपने क्या देखा अंकित शर्मा को लेकर? कब अंकित शर्मा को आपने देखा और क्या हुआ था पूरा हाल? यही है, खींच के ले जा रहे थे और क्या देखेंगे। कितने बजे की बात है ये? शाम को पाँच छह बजे। पाँच छह बजे परसों? हाँ जी। ताहिर हुसैन पर परिवार वालों के साथ बीजेपी नेता कपिल शर्मा का भी यही आरोप है कि एक बहुत बड़ी भीड़ मुस्तफाबाद से लेकर चांदपुर तक उत्पात मचाती रही और चार लड़कों को पकड़कर ताहिर हुसैन के घर की तरफ ले गई। चार लड़कों का शव तो फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन दो लड़कों का शव नाले से जरूर मिल गया है। शाम 5:30 बजे अंकित शर्मा घर से बाहर निकले थे और इसके बाद वो वापस नहीं लौटे। शाम 6 बजे के करीब अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने छानबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। रात 9 बजे के करीब उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके भाई अंकित शर्मा को भीड़ पकड़कर ले गई थी। रात 11 बजे के करीब अंकित शर्मा के परिवार को ये पता चला कि चांदबाग के नाले में कोई शव दिखाई दे रहा है। अगले दिन सुबह 11 बजे उसी नाले से अंकित शर्मा की लाश निकाली गई। अंकित के परिजनों की शिकायतों के आधार पर नेहरू नगर में वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। अब पुलिस हत्या का सुराग तलाश कर रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है कि क्या दिल्ली में फैले दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन का कोई हाथ है। कुमार सोनू के साथ अभय पाराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। तनाव अब भी है, सुरक्षा कड़ी है, फ्लैग मार्च हो रहा है, लेकिन राहत की खबर यह कि पिछले 2 दिन से हिंसा आगजनी की कोई घटना नहीं हुई। दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 38 तक पहुंच गया। वहीं पुलिस ने अब तक इस मामले में 48 FIR दर्ज करते हुए 5 से 14 लोगों को या तो गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है। दिल्ली दंगों की ये तस्वीरें रह रहकर दर्द दे रही हैं। घर हो या दुकान, जिंदगी भर की कमाई दंगे की भेंट चढ़ गई। दंगा ब्रिगेड ने 3 दिन तक ऐसी दहशत फैलाई जिससे कलेजा मुंह को आ जाए। हालांकि अब देश की राजधानी शांत है, पिछले 48 घंटे से दिल्ली में कोई वारदात की खबर नहीं है। धीरे धीरे लोग हिम्मत जुटाकर अपने घरों से बाहर आने लगे हैं। हालांकि अब कोशिश ये की जा रही है कि हालात को किस तरीके से संभालने किया जाए। आप देख पाएंगे कि मौजपुर चौराहा जहां पर बुधवार तक कोई नहीं घूम रहा था, लेकिन अब लोग अपने घर से बाहर जो सुबह रूटीन के काम है वो करने के लिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और फोर्स हालांकि जमीनी स्तर पर है, लेकिन उनको अभी बस में बिठाया गया है ताकि लोगों के मन में इस तरीके की भावना हो कि वो आसानी से अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। 23, 24 और 25 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के बाद अब चारों तरफ शांति है, हालात काबू में हैं, हालांकि तनाव अब भी बना हुआ है। राहत की बात यह है कि पिछले 2 दिन से किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है। आज धारा 144 में 10 घंटे की ढील दी जाएगी। भजनपुरा हो या जाफराबाद या फिर चांदबाग, हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पुलिस फोर्स ने जगह जगह पर मोर्चा संभाल रखा है। आसमान में तीसरी आंख से हर किसी पर नजर रखी जा रही है। दिन हो या रात, पुलिस मुस्तैद भी है और चौकस भी।
दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी यहाँ पर की जा रही है। फ्लैग मार्च जो कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ब्रह्मपुरी और मुस्तफाबाद इलाके में निकाल रहे हैं, उस फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, साथ ही अफवाहों पर लोग ध्यान न दें उसकी अपील भी दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस करती नजर आ रही है। दिल्ली को लहूलुहान करने वाली इस हिंसा की जाँच के लिए दिल्ली पुलिस अब एक्शन में है। दिल्ली हिंसा में अब तक 48 FIR दर्ज हुई है। IB अफसर की हत्या के मामले में आप पार्षद ताहिर हुसैन पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने अब तक 514 लोगों को या तो गिरफ्तार किया है या फिर हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने हिंसा की साजिश से पर्दा हटाने के लिए 2 SIT बनाई है। SIT की दोनों टीमें दंगे से जुड़े सभी केस की जांच करेंगी। एक SIT में 4 ACP, 12 इंस्पेक्टर, 16 सब इंस्पेक्टर और 12 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल जो हालात है वो बिल्कुल नॉर्मल है और आज कोई भी घटना नहीं हुई और फोर्स हर एक जगह पे सफिशिएंट डिप्लॉय की गई है। सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं, जो डिस्ट्रेस कॉल थी उसमें काफ़ी कमी आई है और जैसे हमने जो कल 2 हेल्पलाइंस भी आपके माध्यम से पब्लिक को बताया था उस पर भी कॉल्स आई हैं और उनको भी हम रिड्रेस उनका भी रिड्रेसल कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक 48 FIR हम रजिस्टर कर चुके हैं। बर्बादी के इस मंजर से कहीं ज्यादा डरा देने वाला है मौत का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है। 23, 24 और 25 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जिन इलाकों में दंगाई इंसानियत का कत्ल कर रहे थे उन इलाकों में अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। हालांकि लोगों के चेहरों पर दंगों का दर्द अब भी साफ दिखाई दे रहा है। लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए गलियों के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है। यहां पर भी लोहे की शीट के साथ बैरिकेडिंग की गई है, बल्लियां और ये सब बांधे गए हैं। सर, किन हालात में आपने ये यहां पीछे देखेंगे तो स्टैंड भी लगा है, किन हालात में आपने ये सब बैरिकेडिंग की है, क्या सोच रही? भैया ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा कोई ज्यादा तनाव नहीं है आपस में, जो यहाँ के रहने वाले उनके साथ कोई ऐसा नहीं है, जो बाहर से आने वाले हैं जो तत्व जो गलत तत्व है उनको रोकने के लिए कि हमारे आपस में ऐसा कोई खराब ना करे कि भाई हमारे आपसी माहौल खराब हो जाए या हमारे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करे, मगर यहाँ पे सिर्फ उनकी अपनी सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं। हिंसा के बाद से दिल्ली अब शांत है। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती अफवाहों से निपटने की है। इसको लेकर पुलिस लगातार अमन कमेटियों के साथ मीटिंग कर रही है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिन राहत और सुकून देने वाले होंगे। दिल वालों की दिल्ली हिंसा का दर्द भूलकर आगे बढ़ने लगी है। जतिन शर्मा के साथ पवन नारा और अभय पाराशर, इंडिया TV, दिल्ली।